डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए स्टोर से रिलेटेड एक क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो कि बोर्ड पर नोट है। देखिए वह क्वेश्चन ये है कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट सरप्लस स्टोर। देखिए ये सरप्लस स्टोर, सरप्लस स्टोर, ऐसा स्टोर जो हमारे रिक्वायरमेंट से अधिक हो, से अधिक हो या इसमें रिन्यूअल चेंजिंग करने से या किसी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल्ड करने से जो मटेरियल प्राप्त होता है वह मटेरियल भी सरप्लस स्टोर में सम्मिलित होता है। सरप्लस मटेरियल का स्टॉक सभी वर्क आवलिक कार्य योग्य पुराने मटेरियल का डीएसएट पर वापस कर कम से कम रखना चाहिए। सरप्लस मटेरियल या अब्लिक सरप्लस स्टोर को निम्नलिखित वर्गों में
वर्गों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो है देखिए मूवेबल सरप्लस स्टोर। देखिए ये क्या होता है, ऐसा सरप्लस स्टोर जिसका पिछले दो वर्षों से यूज नहीं हो रहा है किंतु फ्यूचर में इसको यूज में लाया जा सकता है। ऐसे स्टोर को मूवेबल सरप्लस स्टोर की श्रेणी में क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड जो है देखिए डेड सरप्लस स्टोर। ऐसा सरप्लस स्टोर जिसका पिछले दो वर्षों से यूज नहीं हो रहा है किंतु फ्यूचर में भी यूज होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो। ऐसे मटेरियल को डेड सरप्लस स्टोर की श्रेणी में क्लासिफाई किया जाता है। सरप्लस स्टोर
कि रिटर्न को सहायक मंडल इंजीनियर से हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक तिमाही में मंडल अभियंता को 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा तीन प्रतियों में से एक प्रति मंडल अभियंता कामा एक प्रति स्टोर डिपो को तथा तीसरी प्रति ट्रैक सप्लाई ऑफिसर को प्रेषित की जाएगी तो देखिए, ये है सरप्लस स्टोर। तो सरप्लस स्टोर क्या होता है? देखिए, ऐसा स्टोर जो हमारे रिक्वायरमेंट से अधिक हो। मान लीजिए ऐसे मटेरियल जो रिक्वायरमेंट से क्या हो, अधिक हो। उसके साथ साथ जैसे रिन्यूअल वर्क से जो मटेरियल जो है प्राप्त हो, इसके बाद जो है चेंजिंग करने से या किसी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने से जो मटेरियल जो है प्राप्त होता है, वह मटेरियल भी सरप्लस स्टोर में सम्मिलित होता है। तो एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए, एक्चुअल में वह मटेरियल जो हमारे रिक्वायरमेंट से अधिक हो, इसके साथ साथ रिन्यूअल से प्राप्त हुआ हो, इसके बाद मान लीजिए चेंजिंग करने से प्राप्त हुआ हो या स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने से प्राप्त हुआ हो, तो देखिए वह मटेरियल क्या होगा, सरप्लस स्टोर में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, सरप्लस मटेरियल का स्टॉक सभी वर्क या कार्य योग्य पुराने मटेरियल का डीएसएट पर वापस कर कम से कम रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरप्लस आपका स्टोर है, उसमें जो भी बात समझिए, जो स्टॉक है तो कार्य योग्य पुराने मटेरियल को डीएसएट पर वापस कर डीएसएट से क्या कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, ताकि कम से कम मटेरियल आपके पास हो। इसके अलावा देखिए, सरप्लस मटेरियल
या सरप्लस स्टोर को निम्नलिखित वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है देखिए मूवेबल सरप्लस स्टोर, तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल आता है जो पिछले लास्ट 2 ईयर से यूज नहीं हो रहा है। मान लीजिए ऐसे मटेरियल हैं जो लास्ट 2 ईयर से 2 वर्षों से यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनको यूज किया जा सकता है, फ्यूचर में उनका यूज किया जा सकता है। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे स्टोर को मूवेबल सरप्लस स्टोर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन देखिए जो सेकंड स्टोर है, देखिए डेड सरप्लस स्टोर, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा सरप्लस स्टोर या ऐसा मटेरियल जो पिछले 2 वर्षों से यूज नहीं हुआ और फ्यूचर में भी यूज होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में भी यूज होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ऐसे मटेरियल को डेड सरप्लस स्टोर की श्रेणी में क्लासिफाई किया जाता है या क्या क्लासिफाई किया गया है, बात समझिए। अब देखिए एक्चुअल में तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कि मूवेबल सरप्लस स्टोर और डेड सरप्लस स्टोर। तो देखिए एक बार थोड़ा सा हिंट और ले लीजिए कि ऐसे मटेरियल जो 2 ईयर, भाई पिछले 2 ईयर से जो है यूज ना हो रहे हो बट फ्यूचर में भाई यूज हो सकता है, यूज में लाया जा सकता है, ये दूसरा जो है डेड सरप्लस स्टोर पिछले 2 वर्षों से यूज ना हो रहा हो किंतु फ्यूचर में यूज होने की भाई बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो या नो यूज न लाया जाए तो उसे कहेंगे डेड सरप्लस स्टोर, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्चुअल में ऐसे मटेरियल जो देखिए जो सरप्लस स्टोर के अंदर आते हैं तो उसके लिए रिटर्न सहायक मंडल इंजीनियर से हस्ताक्षर करा करके देखिए तिमाही मतलब प्रत्येक तिमाही में मंडल अभियंता को, देखिए जो मंडल अभियंता हैं उनको 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। भाई जो भी सरप्लस स्टोर का जो रिटर्न होगा उसको जो है देखिए ये सहायक मंडल इंजीनियर से हस्ताक्षर करा करके प्रत्येक तिमाही मतलब 3 महीने में एक बार मंडल अभियंता को 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए वो जो 3 प्रति प्रस्तुत होंगे तो 1 प्रति जो है मंडल अभियंता के पास रहेगा, दूसरा प्रति 1 प्रति स्टोर डिपो को, तथा जो है तीसरी जो प्रति है वह ट्रैक सप्लाई ऑफिसर को प्रेषित कर दी जाएगी। तो फिर एक बार समझ लीजिए जो 3 प्रति जो है भेजी जाएगी मंडल अभियंता को वह जो है देखिए 1 प्रति मंडल अभियंता के पास रहता है, दूसरा प्रति जो है स्टोर डिपो को बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो प्रति है वह ट्रैक सप्लाई ऑफिसर को प्रेषित कर दी जाएगी। तो यह है आपका सरप्लस स्टोर। तो वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, अगले पार्ट में हम न्यू आइटम के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।